हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो वैसे अभी का शाम का टाइम हो रहा है और पति देव जी मुझे ले चल रहे हैं शॉपिंग पे। अच्छा खासा शॉपिंग आज करेंगे क्योंकि सैलरी वैलरी आ गई है इनकी, तो फाइनली अभी डेली नहीं आती, अभी आई हुई है। आई तो अभी मतलब इस मंथ का क्या शॉपिंग आपने कराया? नहीं कराया ना? हर मंथ शॉपिंग करना होता है क्या? ठीक है, ये तो हमारा हक है। सो गाइस, ये देखिए मिस्टर फौजी फौजन, इनके क्या हूँ मैं। सो इनको तो टाइम नहीं है, और मेरा लुक, और ये मेरा बाबू। राधे राधे बोल दो बाबू। ये रहा मेरा बाबू, मम्मा को देख रहे हैं। पहचान नहीं रहे हो क्या? मम्मा को नहीं पहचान रहे हो? गाइज, जब मैं रेडी वेडी हो जाती हूँ ना, तो ये मुझे पहचानता ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए मुझे देखता ही रह जाता है। और अभी इसका कोल्ड वगैरह ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया है, ये मुझे पहचानता नहीं। फिर जब मैं इसको टच वच करूँगी बाबू अबू करके, फिर ये पहचान जाएगा कि हाँ मेरी मम्मा ही है, अदरवाइज ये मुझे पहचानता ही नहीं है। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ ले चलते हैं, कहाँ कहाँ घूम के आए, वो सारी चीज़ें आप सबको दिखाएंगे। एंड चलिए चलते हैं। आप इनकी ट्रस्ट लगी रहती, बिकॉज कल नाइट ड्यूटी थी तो ला के यहाँ पे रख दिए। फिर मुझे भी टाइम नहीं मिला कि मैं इनका अच्छे से रख सकूँ। कोई नहीं, आने के बाद मैं रख दूँगी अच्छे से फोल्ड वगैरह करके। और फिलहाल चलिए चलते हैं। ये तुम्हारा तो ये रिमूव कैन कर दिया उसको। क्या ये रहा मेरा लुक, कैसा लग रहा है आपको? और पता है गाइस, ठंड तो पड़ने लगी है, बट अभी हम स्वेटर वगैरह नहीं पहन रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। अभी 10 दिन से प्रॉपर ठंड आ जाएगी तो फिर हम पहनना स्टार्ट कर देंगे। सर जूतियाँ, और चलती हूँ शॉपिंग करने। हेलो राधे राधे, राधे राधे बोल दो बाबू छपको। उली 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 चपको, दादी दादी बोल दो। चलो चल चल प्लीज। चलो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। सभी हम आ गए हैं। अभी ज़्यादा ठंड उंड नहीं हो रही है, हो रही है, और यूवी को मैंने अच्छे से कवर किया, बिकॉज इसको जैसे मैंने बताया कि कोल्ड वगैरह हुआ था कल परसों से, तो अभी फ़िलहाल ठीक हो रहा है। 2 दिन हमने अच्छा इसका केयर वगैरह किया है कि ताकि ज़्यादा टाइम में रिकवर होने में इसको ज़्यादा टाइम ना लगे, बट अभी ठीक है फिलहाल। सो पतिदेव जी आ रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं। अभी को ऐसे लिए लिए मैं थक भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं थकती हूँ, बट अभी थोड़ी ये बैठने लगे तो इसकी ट्रॉली वगैरह ले लेते हैं, तो चलने वलने में बात आ गए। वाह, कुछ जगह है ना। फाइनली अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, और कितना प्यारा लग रहा है ना, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, लाइटिंग वाइटिंग इतना नहीं समझ में आ रहा है, पर ठीक है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। और ये रही मम्मा और यू भी, ये देखो कितना अच्छा आ रहा है ना। अभी डर गए हैं पार्किंग में, मस्त आ रहा है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। यूवी 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 इधर देखो, यूवी ठीक लग रहा है, कैसा लग रहा है? इधर देखो, पता नहीं किस में बिजी है, क्या देखने में बिजी हो? ये तो लाइटिंग देखने में ही बिजी है गाइस। गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं, देखो मम्मा को कहाँ आ गए हैं, अभी कहाँ चलेंगे? फिर चलेंगे हम घर, वहाँ जाके बैठ जाओ, सोफा लगा। नहीं मैं देख रही हूँ बाबू, ये देखो वहाँ पे क्या दिख रहा है, वो देखो बाबू कितना अच्छा लग रहा है ना। वाह यार कितना अच्छा है, वहाँ पे शानदार बना हुआ है ये वाला क्रोमा का। ये पति देव जी आए हैं आईफोन का वो पेंसिल वगैरह,
जो 11,000 की आती है उसके समथिंग, उन्हें एप्पल का चाहिए हुआ था इसलिए क्रोमा में आए हुए हैं देखने के लिए, हम वही परचेस करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी बड़ा है यार, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज़ आ रही होगी ना, अदरवाइज क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। घर में इतनी शैतानी करता है और जैसे ही बाहर आ जाएगा ना तो इसका बोलते बोलते बंद हो जाता है। ये देखिए कैसे फेस बना के रखा हुआ है। और बाकी घर में इतनी ज़्यादा शैतानी करता है, इधर देखो घर में बहुत शैतानी करता है, और यहाँ बाहर ले जाऊँगी तो बस एकदम ऐसे चेहरा बना लेगा जैसे कितना शांत हो, पर शांत नहीं है ये। किसमें कहाँ बैठ पाएगा, पीछे थोड़ी पीछे करो, बैठ जाओ बेटा। चलो इसको पकड़ने के स्टाइल कितने अच्छे से पकड़ रखा है ना, इसको पता है लेना क्या है। इधर से सब लूटना है। हाँ यार बनाऊंगा। कैसा लग रहा है लल्ला, चले क्या दिख रहा है, हाँ लग जाएगी इधर लग जाएगी। बाबू को ये मिल गया। कैंची मिल गई है, वो आगे पकड़ लो उसको। लगता you
देख दिया। क्यों रो रहे हो यूवी? क्या हुआ? कैप नहीं पहननी आपको? नहीं पहननी कैप? कैप नहीं पहनना? ओली 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 ओली। कैप नहीं पहननी आपको? नहीं पहनना इनको, कैप नहीं पहनना। साथ गर्मी अभी लग रही होगी, इतना ज़्यादा ठंड नहीं आया हुआ है फिलहाल। यार गाइस कभी आओ ना तो यूवी की वजह से हम शॉपिंग वगैरह नहीं कंप्लीट कर पाते, आधी अधूरी चीज़ लेके चले जाते हैं, इसलिए हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है कोई भी चीज़ लेने के लिए। और थक भी जाती हूँ, ज़्यादा उठा के चल भी नहीं पाती हूँ। अब देखो कितना परेशान करना है इसको, जैसे ही मैं कहीं लाती हूँ तो इसको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी बाकी सब बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ। चलो बहुत तंग करते हो तुम मम्मा को। हे गाइस तो हम लोग अभी आ गए घर और यू भी इतना ज़्यादा परेशान करी थी। अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी लाइक कपड़े वगैरह और शू वगैरह और विंटर के कुछ कलेक्शन वगैरह बहुत अच्छे आए थे। चूँकि ये रोने लगा, इसको नींद आ जाती है, पता नहीं ऐसा क्या है इसके साथ कि कहीं भी बाहर इसको ले जाती है उसको पता नहीं क्यों नींद आना स्टार्ट हो जाता है। कोई नहीं, इसके नींद का क्या कहना। अभी देखो यहाँ पे इजली खेल रहा है बट वहाँ पे इतना ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया, सब लोग इसको ही देख रहे थे। और ये घर का जो राशन वगैरह था, नमकीन वगैरह सब कुछ, मतलब जो भी आइटम था वो हमने वहाँ से परचेज़ कर लिया। कुछ चीज़ें कैंटीन से भी परचेज़ किया था बट कुछ कुछ चीज़ें नहीं मिली थी, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं मिला था कैंटीन से, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से परचेज़ कर लेते। और मैं फ़र्स्ट टाइम ही गई थी डी मार्ट सो गाइस पहले हम सोचे थे कि बाहर डिनर वगैरह करके आएंगे बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। जैसे आके आपने ब्लॉग में देखा कि वो इतने इतने से रोने लगा था और इसको नींद भी आने लगती। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जहाँ भी जाता है तो रोना स्टार्ट करता है। हो सकता है कि हम लेट जाते हो घर से, बट इन्होंने बोला कि चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, रोटी वगैरह मैं सेक देता हूँ तुम्हारा। तो आया यार, करते जितना पॉसिबल होता है उतना करते हैं, फिर बंदे को ड्यूटी भी करना है और फौज में तो आप जानते हो कि कितना ज़्यादा बिजी रहता है बंदा। सो थोड़ी सी हेल्प कर दिए थे, मैं थक भी गई थी, बोले थक गई हूँ। और फिर अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, ऐसे कुछ नॉर्मल डिनर बना लिए जल्दी जल्दी में बिकॉज 9:30 के समथिंग हो गया था। सो एक सब्ज़ी बनाई थी जो कि आलू गोभी और मटर की थी और ये चपाती है और अचार। नमकीन, नमकीन तो हम लोग बहुत खाते खाने के साथ, नमकीन तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब में नमकीन चाहिए। तो गाइस आज का ब्लॉग यही पेंट करते, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा, चैनल पर